शहद की मक्खी, भीड़, नींबू, तंबोड़ी, इसके काटा ने का इलाज, सूजन, जलन, दर्द, क्या इसके काटने का कोई फायदा भी है? इसके काटने से बहुत ज़्यादा नुकसान, घरेलू इलाज। मैं हूं आपका होस्ट शिविर सामकिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज कल गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में भीड़, नींबू और शहद की मक्खियां जो है उनकी हरकत और सकनात कोई तेज़ हो जाती हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं इस मौसम में, तो अक्सर वो बेशतर ये काट लेती हैं, ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए काट लेती हैं। अगर कहीं उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई हो, छत्ता बनाया हुआ हो, तो गलती से कोई बच्चा वहाँ छेड़ दे या करीब से गुजरें तो फिर भी ये काट लेती हैं। शहद की मक्खियाँ तो जब भी किसी पे हमला करती हैं तो एक पूरे का पूरा छत्ता उठ के बैठ जाता है। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहले मैं अपना एक ज़िंदगी का एक वाक्य पेश करता हूँ। ये कमोबेश सन 83 की, 82 का गर्मियों का मौसम था, सन 82 का, तो मैं नहर के किनारे अपनी वाइफ के साथ चल रहा था पैदल, और हमारे पास एक छोटा सा बच्चा था, मेरा बड़ा बेटा, वो छोटा था उस टाइम, तकरीबन कोई होगा 3-4 महीने का। तो दोपहर का टाइम था, सामने एक आदमी भागता हुआ आया और उसने नहर में छलांग लगाई, छोटी सी नहर थी उसमें छलांग लगाई, उसके बाद वहाँ से निकल के उसने आके मुझे जफ्फी डाल दी। मैंने उसको जितना पीछे धकेला वो उसने जफ्फी डाल दी और उसको शहद की मक्खियों ने काटा हुआ था, चिपटी हुई थी। उसको तो मैंने धक्का दिया, वो भाग गया, लेकिन शहद की मक्खियाँ उसके पीछे थी, आधियाँ मेरे पीछे लग गई। और मैंने वाइफ को कहा कि बुरका कर लो, चादर लपेट लो, उसने चादर में बच्चे को लपेट लिया, खुद भी लपेट ली, लेकिन मैं शहद की मक्खियों के हाथ लग गया। मेरे पास सिर्फ कोई चारा नहीं था सिवाय भागने के, सामने गन्ना था, मैं काफ़ी स्पीड से भागा और गन्ने में जाके छुपा, और काफ़ी देर गन्ने में घूमता घूमता जो है ना बाहर निकला, तो फिर भी शहद की मक्खियाँ गन्ने में मुझे तलाश करती रहीं। जब मैं बाहर निकला तो उस वक्त नहीं थी, मैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर जा चुका था। फिर मैं वाइफ को, घर वाली को आवाज़ें दी, वो आई और हम जो है ना घर कहीं जा रहे थे वहीं नहीं गए, फिर चाचा के घर गए, वहाँ जाकर मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। मुझे कानों पर शहद की मक्खियों ने काटा था, दोनों कानों पर, गर्दन पकड़ काटा था और हाथों पर काटा था। तो मुझे बुखार हो गया, शाम को टम्परेचर हो गया, जलन थी, और डॉक्टर से मेडिसिन ली और देसी टिप्स जो है वो किए। ये हर आदमी के साथ होता है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि शहद की मक्खियाँ उठ के जानवरों पर बैठ जाती हैं, ऊपर छत्ता बनाया होता है, जानवरों को साए में बांधते हैं, बैठ जाती हैं, और जानवर को जब बैठते हैं तो पूरा छत्ता बैठ जाता है, अक्सर बेशतर जानवर मर जाते हैं, ये बहुत जहरीली होती है। तो इससे बचाव का तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि अगर शहद की मक्खियाँ कहीं ज़्यादा आ जाएँ हमला करने, तो धुआं कर दो, आग जला दो, उसके धुएं से ये भाग जाती हैं, धुआं की ओट ले लो। दूसरा, जिस आदमी को शहद की मक्खियाँ हमला करने वाली हैं उसको किसी कमरे में बंद कर दो, उसके ऊपर रज़ाई या कोई चादर डाल दो, मोटा कपड़ा डाल दो, तो उससे भी जो है ना इसका हमला कुछ रुक जाती हैं, फिर आग धुआं जलाओ और उससे ये हट जाती हैं। तो या ज़्यादा मसला हो तो फिर 112 को फौरी तौर पर कॉल करें, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का वह इदारा है जो बग़ैर सिफारिश, बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर कुरेक्शन के चलता है। इसकी मिसाल दुनिया में ऐसे इदारे की कहीं नहीं मिलती, ये अपनों से पहले पहुँचता है। अच्छा, बात हो रही थी अगर शहद की मक्खी काट ले तो फिर क्या करना चाहिए। शहद की मक्खी या भीड़ या तंबूड़ी काट ले तो डिस्प्रीन की गोली, एस्प्रीन की गोली गीली करके उस जगह पर लगा दे, दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, सूजन भी ख़त्म होगी। डंग को निकाल लेना है, सबसे पहला काम डंग को निकालना है। अगर ये चीज़ दस्तियाब नहीं है तो घर में टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट उस जगह पर लगा दें डंग निकालने के बाद, फिर भी सूजन और जलन नहीं होगी और अफाका मिल जाएगा। अगर ये भी आपसे नहीं होता, सेब का सिरका लगा दें उस जगह पर, सेब का सिरका लगाने से भी मक्खी का डंग निकालने के बाद जहर का असर कम हो जाता है, सूजन कम होती है। अगर ये भी नहीं होता तो घर में मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं,
बीटा सोडे का थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना के उस जगह पे लगा दें, सूजन और दर्द से फौरी तौर पर निजात मिलेगी। ये बेहतरीन तरीका है। अगर ये भी नहीं हो तो घर में शहद पड़ाए, शहद को उस जगह पर रंग निकालने के बाद लगा दें, इससे भी जलन और सूजन में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। बर्फ़ का पीस डंग निकालने के बाद उस जगह पर बर्फ़ रख दें, इससे भी सूजन और जलन कम होती है और जलन फौरन तौर पर ख़त्म हो जाती है। ये तो थे घर के मसले। अगर एक आदमी, जैसा कि आम तौर पर अक्सर बेशतर इस मौसम में होता है, मोटरसाइकिल पर जा रहा है और उसको भीड़ काट लेती है, ख़ासतौर पर वो जो लाल रंग की या जिसको काला भीड़ कहते हैं वो काट ले, उसका दर्द भी बड़ा होता है, उसमें जहर भी बड़ी होती है और उसका डंग देर तक जिसम में ज़्यादा गहराई तक जाता है, तो फौरी तौर पर मोटरसाइकिल रोकें और पेट्रोल किसी तरीके से निकाल के उस जगह पे लगा दें, दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, सूजन भी ख़त्म हो जाएगी। पेट्रोल वाला आजमूदा तरीका है। अच्छा, और अगर आप खेतों में हैं, जैसे वीरानी में आजकल रोड भेड़ बकरियाँ चराते हैं, कहीं चल रहे हैं, फिर आपको शहद की मक्खी या भीड़ ने काट लिया है, तो अक का पौधा जो है वो अक के पौधे का पत्ता तोड़ें, उसका दूध जो है उस जगह पर लगा दें, इससे भी जो है ना जलन और सूजन कम हो जाती है। अगर किसी को भीड़ के पूरे छत्ते ने काट लिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ ने काटा है, तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पर 112 को कॉल करें, इमरजेंसी से रब्ता करें और अस्पताल ले जाएं उसको और उसकी ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ये भीड़ के छत्ता अगर ज़्यादा तादाद में काट लें तो जानलेवा हो सकता है। तो ये कुछ तरीके थे जो घर में हम बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, भीड़ के शहद की मक्खियाँ काटने, भीड़ की बात नहीं कर रहा, शहद की मक्खियों के एक दो दाने के काटने का कोई फ़ायदा भी है? ज़्यादा काटने से जान जा सकती है, जानलेवा हो सकती है, जानवर अक्सर बेशतर मर जाते हैं, क्योंकि जानवर पर जो ही शहद की मक्खी हमला करती है, ये पूछ मारता है उसको उड़ाने के लिए, जो ही पूछ मारता है वो जो है ना दुम मिलाता है, तो वो मजीद जो है ना गुच्छा पूरा छत्ते का छत्ता उस जानवर पर हमला कर देते हैं और साथ वाले जानवरों पर भी, इससे अक्सर बेशतर जानवर मर जाते हैं। उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है, फौरी तौर पर धुआं कर दो, जानवर को मोटी कंबल से या रज़ाई से ढांप दो। अच्छा, शहद की मक्खियों के काटने का कोई फ़ायदा भी हो सकता है? जी जनाब, शहद की मक्खियों के काटने का एक करिश्माती फ़ायदा है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। वो क्या है कि ये जोड़ों के दर्द का, अगर शहद की 5-4 मक्खियाँ किसी ऐसे जोड़ पर जिस पर शदीद दर्द रहता हो, सूजन रहती है, उसको उस पर कटवाया जाए तो ये दर्द में अफाका होता है। ये सर्च है गूगल की, ये सर्च है मुख्तलिफ साइंस की, मुख्तलिफ डॉक्टरों की। तो इसको जो है ना हैरानी तौर पर हैरत अंगेज किसका करिश्मा है। दूसरी एक रिसर्च, शहद की मक्खियों काटने का फ़ायदा, शहद की मक्खियों के काटवाने का या काटने का फ़ायदा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, शहद की मक्खी में जो जहर होता है वो छाती का जो कैंसर होता है फीमेल को औरतों को जो छाती का कैंसर होता है, जो खुलिए छाती के कैंसर का सबब बनते हैं, शहद की मक्खियाँ को अगर उस आदमी को कटवाया जाए, उस औरत को कुछ 10-12 दाने, 5 दाने, 4 दाने, तो ये छाती के कैंसर के खुलिए जो है ना जो कैंसर का सबब बन रहे होते हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। तहकीक की टीम जो है, जिसकी डॉक्टर कैरा डॉफी सरबराही कर रहे थे, उसने कहा है कि 60 मिनट के अंदर ये खुलिए ख़त्म हो जाते हैं और छाती के कैंसर से निजात मिल जाती है। दो फायदे हैं, एक तो जोड़ों के दर्द के लिए इसका फ़ायदा है, शहद की मक्खियाँ 2-4 कटवाई जाएँ, जोड़ों के दर्द से फाका मिलता है, और दूसरा छाती के कैंसर से निजात मिलती है। ये तहकीक जो है ये डॉक्टर कैरा डॉफी नामी डॉक्टर ने किया है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मेडिकल रिसर्च की टीम के बानी थे, उसने ये रिपोर्ट दी है। इसका फौरी तौर पर इलाज शहद की मक्खियों के काटने का, बर्फ़ सिरका या लीमू का रस लगा दें, बर्फ़ लगाएं जलन नहीं होगी, नींबू का रस लगाएं जलन नहीं होगी। अच्छा, इससे मज़ीद क्या ख़तरा हो सकता है? शहद की मक्खियाँ ज़्यादा काट लें तो फालिज का ख़तरा हो सकता है, इसी तरह दिमाग की शरियाने सुकड़ सकती हैं मक्खियों के काटने से, फालिज होने का ख़तरा होता है, दिल की धड़कन मुतासर हो सकती है। अच्छा, ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है,
उनके लिए इसका फ़ायदा है शहद की मक्खियों के काटने का, ये भी मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट है जो मैंने गूगल से देखी है। अच्छा, शहद की मक्खियों के काटने से बीपी लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर के लो होने का भी खतरा है, तो हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए किसी हद तक शहद फ़ायदेमंद हो। मुख्तलिफ ममालिक में इस चीज़ पर तहकीक हो रही है कि इपीथेरेपी का कंसेप्ट जो है वो फ़रोग पा रहा है, वो भी शहद की मक्खियों के काटने से होता है। तो बहरहाल, शहद की मक्खियों को अगर आपको जोड़ों का मसला है, हाई बीबी का मसला है या कैंसर का मसला है, तो ये रिपोर्ट जो है ना गूगल पे मौजूद थी, मुख्तलिफ साइंसदानों की वेबसाइट पर मौजूद थी। आप अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें कि भी क्या ऐसा होने से छाती के कैंसर में अफाका मिल सकता है, उसको बताएं कि ये तहकीक गूगल पे मौजूद है, और ये भी बताएं कि ये जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदा है। अपने डॉक्टर की राय के मुताबिक चलें, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने डॉक्टर की राय के मुताबिक चलें। ये वीडियो, मेरी ये तहकीक, मेरा ये नॉलेज किसी डॉक्टर का मुतबादल नहीं है, कोई नुस्खा नहीं है, मैंने आपके साथ मालूमात शेयर की है शहद की मक्खियों के काटने के इलाज के हवाले से, शहद की मक्खियों से अगर कोई फ़ायदा हो सकता है तो उसके हवाले से। तो कोई भी काम करने से पहले अपने मुआले से ज़रूर हर कीमत मशवरा करें। थैंक्स, मेरी अगर मालूमात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना, ताकि किसी को भी कोई मसला हो, मक्खी काट ले तो वो अपना ट्रीटमेंट किसी अच्छे तरीके से कर सके। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में। मेरी मालूमती वीडियो इस वीडियो इस चैनल पर मुख्तलिफ हवाले से आती रहती हैं, सेहत के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से और ज़हनी ग्रोथ के हवाले से, आपकी वर्क को बेहतर बनाने के लिए, आपकी इससे अपना एक्टिविटियों को बेहतर बनाने के लिए आती रहती हैं। तो उनको शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।